वेलकम बैक टू द वैष्णवी पाठशाला। वैष्णवी पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं भारत का भूगोल, यानी कि ये अपना भाग सात होगा। इसके पहले हमने भाग छः डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए। यहाँ पर हम भारत के भूगोल पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें 25-25 क्वेश्चंस की हम एक वीडियो बनाते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं, उससे संबंधित जितने भी तथ्य आते हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो भारत का भूगोल यह है, भाग सात है। तो अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अब हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलने लगी हैं। तो अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन क्लास बिठूर रोड के पास पड़ता है, जो कि कानपुर का एक स्थान है। वहाँ पर महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज है और वहीं ईश्वरी गंज है। ईश्वरी गंज में वैष्णवी क्लासेस करके हमारी क्लासें रन होती हैं। तो अगर आप एडमिशन करना लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजिए और हमारे क्लास को एंजॉय कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारे सेशन में पहला क्वेश्चन आ रहा है, कावेरी जल की भागीदारी, इनके बीच एक विवाद है। यानी कावेरी जल की जो भागीदारी है, यानी कावेरी जो नदी है उसका जो जल बहता है, वो किन किन राज्यों के बीच में एक विवाद का कारण बन रहा है। तो इस समय वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद का कारण है। चलिए नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं, चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है। चंबल नदी हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है। ठीक है, तो ये तीन स्थान हैं जहाँ से चंबल नदी हमारी बहती है। अब है क्या, ये बूंदी, कोटा, धौलपुर जनपद से होकर के बहती है और इटावा से लगभग 90 किलोमीटर अगर हम पूर्व दिशा में जाते हैं तो ये यमुना से मिल जाती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर पर बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तेल किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। अब महानदी क्या है, तो महानदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से है और ये उड़ीसा की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब तेल नदी इसके दाहिने तट से आकर के मिलती है और एक सहायक नदी कहलाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है। लैगून झील कौन सी है, तो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और ये खारे पानी की भी एक सबसे बड़ी लैगून झील है। इसके बाद हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर पुलिकट झील भी हमको लैगून झील का एक उदाहरण प्राप्त कराती है। नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन है, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है। तो सांभर जो लवण झील है वो राजस्थान में एक खारे पानी की झील है, ठीक है, जिसको हम सांभर झील के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर नमक की अधिकता होने के कारण यहाँ का जो जल है वो नमकीन हो गया है और ये जयपुर में, जयपुर के पास आपको मिलेगी। लोकटक क्या है, तो लोकटक जो है मणिपुर में अगर मध्यवर्ती घाटी में हम जाएं तो वहाँ पर हमको एक लोकटक झील प्राप्त होती है। तो लोकटक हमारा क्या है, एक प्रकार से झील है। अब लोकटक झील में ही काइबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क भी है जो कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क कौन सा है, तो काइबुल लामजाओ, नाम ध्यान रखिएगा, कहाँ पर पड़ता है, मणिपुर में। नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन है, सबसे ऊँचा भारतीय जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जो भारतीय जलप्रपात है वो कौन सा है, तो जोग या गरसोप्पा, इसको गरसोप्पा भी बोलते हैं, जो कि सरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 255 मीटर के समथिंग पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो हमारी कावेरी नदी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर पर पाई जाती है, ठीक, और इस प्रपात का जो उपयोग है वो जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चन आया है, अभी हम इसके बारे में आपको बता भी चुके हैं। गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो गरसोप्पा प्रपात सरावती नदी पर स्थित है। चलिए ये गरसोप्पा को हम गांधी जलप्रपात के भी नाम से जानते हैं और इसे गरसोप्पा फॉल भी कहते हैं। हाँ ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 829 मीटर के समथिंग पाई जाती है और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई से गिरने वाला झरना है। तो जब दूसरा ये है तो पहला कौन सा है,
तो पहला हमको मेघालय राज्य में मिलता है जिसका नाम लोह काली काई झरना है, ठीक है, जो कि लमसम 1100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। तो जोग प्रपात ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग प्रपात देखिए किस राज्य में स्थित है, तो नदी से पूछी जा सकती है, किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो आप उसका चारों प्रकार से जैसे भी उत्तर पूछा जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए 11 नंबर पर बात करते हैं। 11 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है, तो गुरुत्व बांध जो है वो सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल आपको मिलेगा। इसकी ऊंचाई लगभग 226 मीटर के समथिंग पाई जाती है, ऊंचाई 226 के मीटर समथिंग है और लंबाई इसमें लमसम 520 के समथिंग पाई जाती है। अब भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है, ठीक। आगे इस पर बात करते हैं। अब ये जो परियोजना है इसके पीछे जब इसमें जल भर जाता है तो एक पोखर टाइप का बन जाता है, एक तालाब टाइप का बहुत विशाल तालाब बन जाता है। भाई पानी आएगा नदी से तो एक साथ तो उस बांध से निकल नहीं जाएगा, तो बांध उसको धीरे धीरे करके निकालता है, तो पीछे पानी एकत्रित रहता है। तो हुआ क्या था, सिखों के जैसे 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, तो उन्हीं के नाम से इस जलाशय का पूरा नाम रख दिया गया है, गोविंद सागर, ठीक। तो उस जलाशय का नाम भी पूछा जाता है। और इस परियोजना में चार विद्युत शक्तियाँ जैसे कि नांगल जली नहरे, नांगल बांध, भाखड़ बांध शामिल हैं। इस परियोजना में अब हिमाचल प्रदेश है हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान तथा दिल्ली भी पूरा पानी इसका प्राप्त करते हैं, यानी उससे लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चर्चा हो गई इस पर। आगे बात आती गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो गिरना परियोजना जो है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया जाता है, तो उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने के लिए फरक्का बांध का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। महानदी कहाँ है, उड़ीसा राज्य में महानदी, तो महानदी अपनी बाढ़ों के कारण भी कभी कभी उड़ीसा का शोक भी कहलाती है। इसके जल का समुचित उपयोग के लिए हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन है, रावी नदी पर भी पूछा जाता है, रणजीत सागर बांध। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, यह कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये भूटान राज्य में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो नहर सिंचाई पद्धति है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने 18 नंबर क्वेश्चन पर, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण है वो भारत की पाँचवीं सबसे विशालकाय नदी नर्मदा नदी पर किया जा रहा है, ठीक है। अब है क्या, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये इस नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण हो रहा है और ये नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। इसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में बता भी चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। 19 नंबर है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम बताइए, तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर के नाम से जानी जाती है। अब है क्या, ये रावी और व्यास नदियों पर पाई जाती है और ये संसार की सबसे बड़ी नहर है जिससे उत्तर पश्चिमी राजस्थान के राजस्थान के आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में सिंचाई पहुँच पाती है। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है हमारा 20 नंबर कि टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है, तो टिहरी बांध को ध्यान रखिएगा ना, जो पानी है वो भागीरथी से मिलता है, ठीक है ना। अब भागीरथी के साथ साथ यहाँ पर भिलांगना नदी भी आ जाती है, तो भागीरथी और भिलांगना का संगम है वहाँ पर टिहरी बांध को जो पानी है उनसे मिलता है। नेक्स्ट है, गंगा नहर किस राज्य को सींचती है, तो गंगा नहर जो है अभी हमने बताया राजस्थान को सींचती है, इसे बीकानेर नहर भी कहते हैं और इसका निर्माण जो हुआ था 1829 में फिरोजपुर के समीप किया गया था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी नहर जैसा कि हमने बताया। नेक्स्ट है, नाथपाल झाकली विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश, इसका कुछ ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकली विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध एक बार फिर से भाखड़ा नांगल बांध है। चलिए नेक्स्ट इस, हाँ, और इसके पीछे का जो तालाब बनता है यानी जलाशय बनता है उसको क्या कहते हैं,
गोविंद सागर झील, ठीक है। 25 नंबर, भारत की मरुस्थली नदी कौन सी है? तो भारत की जो मरुस्थली नदी है वो लूनी नदी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अपने 25 क्वेश्चन फिर से पूरे कर लिए। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो कि इम्पॉर्टेंट आए हुए हैं। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो क्लासेस है इसमें हम एकेडमिक क्लासेस भी चलाते हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटर से संबंधित जितनी भी कक्षाएँ हैं वो सारी चलाई जाती हैं। तो अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी संस्था का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका जानने का पता हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और साथ में वीडियो में भी हमने बता दिया है। तो वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।